नमस्कार नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं देखिए अभी हम जो है चक जलाल पंचायत पहुंचे हैं और हमारे साथ मौजूद हुए हैं निरंजन सिंह जी, जो भी हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं पूरे पंचायत को लेके कि क्या हाल है। आपको बता दें कि लगातार जो है इस क्षेत्र में विकास की बातें हो रही है। लगातार पिछले बार भी बच्ची देवी जी ही थी जो कि इस क्षेत्र में विकास कर चुकी है और दोबारा जनता के स्नेह और प्यार से है बन के आई है और लगातार जो है क्षेत्र के विकास के लिए सारे लोग इनके कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं। जो प्रतिनिधित्व कर रहे निरंजन कुमार सिंह जी, तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं पूरा पंचायत का हाल और कैसे क्या विकास होगा, कैसे सरकारी योजनाएं घर तक आएगी, कैसे डस्टबिन, जल नल योजना, सड़क, श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड का क्या हालत है, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। नेशन 24 में आपका आने के लिए धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है कि फिर से जनता ने आपको स्नेह प्यार दे के जिताया है, कैसे इस बार सारे चीजों पर विकास होगा? विकास तो हमारे पंचायत में बहुत सारे धरोहर से हो रहा है। जहाँ भी देखिए या पंचायत में घूम के देखिए, पंचायत में मेरा विकास का कार्य चल रहा है। विकास में मेरा कोई कमी नहीं है। आप किसी में मतलब 5-7 योजना में चल रहा है। अभी कौन कौन सी योजना है? योजना है मतलब डस्टबिन वाला चल रहा है जी। हर तक डस्टबिन जाना कचरा प्रबंधन के लिए जी। केवल ब्लॉक बिछाना मतलब नली गली जी, ये काम चल रहा है मेरा। पंचायत भवन का रिपेयरिंग वर्क चल रहा है। हम पंचायत में सीढ़ी घाट बनाए हैं। अदर काम चल रहा है मेरा छठ के लिए। अब हम बात करते हैं सामुदायिक भवन की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति है और स्कूल की क्या स्थिति है? सामुदायिक भवन मेरे पंचायत में 4 तो है, चारों सुचारू ढंग से चल ही रहे हैं। स्थिति कैसा है, मतलब ठीक है या जर्जर है? नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। और 16 को मेरा पंचायत में मतलब बोलते हैं उसको होम स्कूल है, स्कूल नहीं आंगनबाड़ी केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र है। 6 को प्राथमिक विद्यालय है, 3 को मध्य विद्यालय है, 1 मेरे पंचायत में उच्च विद्यालय। और स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर ही तो मतलब 2 को स्वास्थ्य केंद्र है जो कि मतलब अपने मकान में ही चल रहा है। मतलब कि उसमें डॉक्टर आते हैं, दवाई मिलता है या नहीं? डॉक्टर तो आते हैं, डॉक्टर आते हैं, एनएम को हम देखते हैं, आते हैं एनएम को, दवाई मिलता है, दवाई मिलता है। चलिए हम आगे बात करते हैं आपसे कि वो कौन सी योजना है जो आप तक पहुंचा है और अभी तक जनता तक नहीं पहुंची? अभी तक हमारे पास योजना में तो जो पहुँचा वो हम जनता तक पहुँचा ही चुके हैं, जो आएगा उसे हम पहुँचा देंगे। जिम हुआ आपके यहाँ? जिम में मेरा प्रोसेस चालू है, जिम चालू होगा 2-4 दिन में। और डस्टबिन में सरगर तक पहुंच गए? हाँ, हम करीब करीब बांट छीन चुके हैं, मतलब कुछ डस्टबिन आओ हमको बांटना बचा हुआ है जो बांट दें। जल नल योजना की क्या स्थिति है, क्योंकि ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और ये हर घर तक स्वच्छ जल पहुँचना था, आपके वार्ड आपके पंचायत में क्या स्थिति? मेरे पंचायत में सिर्फ एक ही जल नल योजना नहीं चल रहा जो 15 नंबर वार्ड है, बाद बाकी 15 को बाद में मेरा जन्म लिया जाना चाहिए। क्या कारण रहा उसका? मतलब पूर्व में मतलब गमन कर लिया उसका। अच्छा, पैसा गबन होके क्या उन पे एफआईआर हुआ? हाँ, एफआईआर हुआ सर। एफआईआर हुआ, गिरफ्तारी हुई उनकी? नहीं, गिरफ्तारी नहीं, फरारी है। अच्छा, फरार घुसे थे वो जी। अच्छा, गली नली और सड़क की क्या स्थिति है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है गली नली और सड़क। क्या नली बन चुका? हाँ, नाली कुछ बना है, कुछ बन लिया है, कुछ बना है, कुछ कार्य चालू है, कार्य अभी प्रारंभ है, ऐसे नहीं कि कार्य बंद हो चुका है। तो मतलब पूर्ण हो चुका है अभी काम चालू? नहीं, कुछ योजना में पूर्ण हो चुका है, कुछ मान लिया या किसी योजना में अभी काम चालू। मनरेगा की क्या स्थिति है? मनरेगा में भी तो कुछ काम आपके यहाँ चल रहा है? मनरेगा में एक योजना मेरा चल रहा है जी, जिसमें मट्टी वर्क का एक मान लिया जाए जिला से ही मतलब उसका नोटिफिकेशन होता है, वो चल रहा है कार्य। ये जल, ये हरियाली भी था, आपके पेड़ पौधे भी लगाने थे, उस पर भी कुछ काम हुआ आपके पंचायत में? हाँ, हुआ था। क्या स्थिति है? अच्छे स्थिति है, पेड़ पौधे अच्छे ही जला रहे हैं। अच्छा, मुखिया जी सड़क से जब मेन सड़क से हम घर तक आते हैं तो हम रास्ते में तार का बना हुआ बाड़ा देखते हैं जिसमें पेड़ लगा हुआ है, क्या वो सब सही है या खत्म? कुछ तो खत्म हुआ है लेकिन कुछ सही भी है। क्यों सही भी है? आगे वो कौन सी सरकार की योजना है जिसको आप हर घर तक पहुंचाने के लिए सोचते हैं कि घर तक?
बिजली में मतलब बिजली हम लोग के मतलब सोलर लाइट है उसको हम लोग पहुंचाने का काम सोलर प्लेट के द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट उस पे काम के लिए आप लोग कर रहे हैं कोशिश। चलिए सुरक्षा को लेके क्या व्यवस्था है? सुरक्षा के तहत तो हम लोग के बहाली सभी लोग को बाढ़ में करवा ही दिए हैं, सब लोग काम कर ही रहे हैं। तो अभी आप सुन रहे थे निरंजन कुमार सिंह की, जो चंद्रलाल पंचायत के प्रतिनिधित्व करते हैं और पूरे पंचायत में क्या कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितने योजना पे काम हुआ, कितने पे नहीं हुआ, कौन डस्टबिन पहुंचा, नहीं पहुंचा, जनरल योजना कैसे, सारे चीज़ों को देखते हैं, सारे कार्य को करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो योजनाएं यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है उसको सरकार से मिल के, अधिकारियों से मिल के उस पर बात करते हैं, समायोजन करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो भी धरातल पे आए और घर तक पहुँचे। आप देख रहे हैं निशन 24 न्यूज़। नमस्कार।